हेलो गाइस, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो भाई, आज मैंने एक अमेजोन से एक टूल मंगाया है, उसकी मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, सब चीज बताऊंगा। तो भाई, उस टूल की आपको भी बहुत जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि आप कहीं लंबे टूर पे जाते हो, कहीं भी घूमने फिरने जाते हो, आपके टायर पुराने हो गए हैं, ट्यूबलेस है, तो उसमें बहुत हेल्प करता है। जैसे कि हमारे टायर पंचर हो जाते हैं, तो हमसे पंचर वाला बहुत दूर होता है, तो एक बार हवा भरने के बाद वो गाड़ी वहां तक पहुंच जाती है। तो वो चीज़ मैं दिखाता हूँ भाई, ये टूल हमारी गाड़ी के लिए भी ज़रूरी है, और मैं आपको दिखा देता हूँ और इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ, फिर इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देख लो, ये ऐसे बॉक्स में आता है, इसके अंदर एक और पैकिंग होती है, उसके अंदर ये हमारा एयर कंप्रेसर पंप होता है, वो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। और पैकिंग बड़ी हार्ड होती है इसकी, देख लो, बिल्कुल फिक्स आता है, जैसे हम इसे नीचे कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इसका निकलने का। तो आखिर में हमें इसका पैकेट ही फाड़ना पड़ा, उसके बाद ही ये निकला, बिल्कुल टाइट है, फंस के बिल्कुल, कैसे भी कोई मतलब नहीं है निकलने का। ऊपर से नीचे कर रहे हैं, कैसे कहीं से भी दबाया नहीं है, फिर भी नहीं निकल रहा। अब देख लो, ये फाड़ने के बाद ही निकलेगा। तो पैकिंग देख लो भाई, 600 रुपये का ये पंप आया, और इसमें कितनी तगड़ी पैकिंग दे दी। तो देख सकते हो भाई, ये हमारा एयर कंप्रेसर है, डीसी 12 वॉट और फास्ट एयर इन्फ्लेशन। देखेंगे कैसा काम करेगा, फास्ट करेगा या नहीं, इस पे देख सकते हो। और इस पे ये हमारे दिख रहा है इजी टू यूज, ये ऊपर साइकिल का टायर दिख रहा है, नीचे ये हमारे जैसे कि पानी में कोई ट्यूब वगैरह हम नहाते हैं, जो हमारा कोई या बच्चा वगैरह खुद डूबे ना, उसके लिए इस पे एक ट्यूब सी बनी है, और फिर उसके बाद फुटबॉल और वॉलीबॉल बनी हुई है, और नीचे हमारा टायर, और इसके नीचे लिखे हैं इजी टू यूज, जस्ट प्लग इनटू योर कार की, मतलब यही है कि जहां आप अपने सिगरेट वगैरह के लाइटर को लगाते हो, वहां पे आपको इसका प्लग लगाना पड़ेगा, उसके बाद ये काम चालू कर देगा। और जो ये गेज है, ये हमारे प्रेशर को बताएगा कि इस हमारे टायर का कितना प्रेशर है, वो सब चीज मैं आपको दिखाऊंगा भाई। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को देखना अंत तक। तो भाई, ये अगर इसमें कामयाब हो गया ना, तो फिर एक बार जो जैसा कि हमारा ये ट्रैक्टर खड़ा है ना, इसकी भी पीछे के टायर की हवा निकालेंगे और उसमें भर के देखेंगे कितने टाइम में भरता है, कितने में नहीं। तो पहले इसमें ही देख लेते हैं कैसे चलता है कैसे नहीं। एक पोर्ट हमारा यहाँ लगेगा, जो हमारे आगे के टायर है उनमें हवा भर जाएगी यहाँ से, वो मैं आपको दिखाऊंगा इसे खोल के। और एक पोर्ट हमारा मिल जाता है यहाँ पे, ये 12 वॉट का इसी, ये हमारा कवर हट जाएगा। तो देख लो भाई, एक पॉट ये, यहाँ पे हम फोन वगैरह भी चार्ज लगा सकते हैं, पीछे एसी वेंट के नीचे मिलता है हमें। तो अब निकालता हूं मैं इसे और आपको दिखाता हूँ। तो भाई, सबसे पहले तो हमें ये मिलता है, इसके साथ ये आप देख सकते हो इसकी केबल मिलती है, और ये हमें चार्जर टाइप का इसका ये मिलता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो 300 PSI में इसका प्रेशर होता है, कंप्रेसर वगैरह, ये एयर कंप्रेसर, ये सब आप देख सकते हो 20.7 bar। तो भाई, ये देख लो, जैसा कि हमारे जो हमारा हवा भरता है उसके ऊपर जैसा सेम ऐसा होता है हवा बनाने का, ये इसमें ये, और ये हमारा टायर नापने का 300 तक है, ये आप देख लो ध्यान से, जब चलाएंगे जब पता पड़ेगी कितनी हवा बताता है। और ये इसमें, ये हमारे टायर में लगेगा, और टायर में लग के बाद ये हमारा लॉक लग जाएगा। तो देखते हैं भाई, क्वालिटी तो इसकी ऐसी लग रही है। और इसके प्राइस के बारे में बताऊं तो ये हमें पड़ा था 599, मतलब 600 रुपये का ये हमें पड़ा था। और केबल तो ठीक है भाई, अंदर आप देख सकते हो, इसमें कुछ ज़्यादा खास तो मुझे इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और इनकी क्वालिटी देख सकते हो, हाल रहे हैं बिल्कुल। ये हमारी केबल है इसकी, ये मैं अभी इसे लगा के दिखा दूंगा, हमारा इग्निशन ऑन करते ही चल जाएगी है। जैसे भी भाई, कहीं हम होटल वगैरह पे रुकते हैं तो वहाँ हमारी गाड़ी की हवा कम हो जाती है, तो हम इसे लगा के अपने आराम से कुछ खा पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें ये हमारे वाल आए, ये देख लो, मैं इसे खोल के दिखा देता हूँ। एक तो इसमें फुटबॉल का है,
अब आप देख सकते हो भाई, ये इसलिए भी है, हमें अपनी कहीं एयर वगैरह माननी हो तो ये वहां काम आएगा, और ये मुझे पता नहीं है, और ये हमारे फुटबॉल के लिए। तो ये तो जब बाद में पता पड़ेगी, जब ये चलेगा उसके हिसाब से कैसी हवा मारेगा या कैसी नहीं, तो मैं आप इसे ऑन करके दिखा देता हूँ एक बार। तो करते हैं भाई, इसे लगाते हैं अपने इसमें, देख लो ये इतनी आवाज कर रहा है, और इसमें हमारी मोटर चल गई है। भाई आवाज तो पूरी कर रही है यहाँ पे, मुझे एयर वगैरह का कुछ नहीं लग रहा है, हवा भी दे रही है नहीं, तो वो देखते हैं हम टायर में लगाने के बाद पता पड़े या क्या जो भी होगा। तो मैं लगाता हूँ भाई इसे टायर में, फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। पहले इसे यहाँ से निकाल लेता हूँ और टायर की हवा चेक करते हैं कितनी बताता है कितनी नहीं। तो आप वीडियो में बने रहें, और आप बताओ भाई ये आपको डिवाइस कैसा लगा, मुझे तो बहुत बकवास लग रहा है। और टायर में लगने के बाद पता पड़ेगा कैसी हवा बनाता है कैसा नहीं। तो मैं भाई अब आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये हमारा सारा जुगाड़ है एयर का, ये हमारा एयर बताएगा कितने PSI में क्या है, जो भी KG सेंटीमीटर 2 bar देखते हैं। अभी ये मैंने लगाया नहीं है, इसके बिना लगाए देखता हूँ क्या बताता है पहले इस। तो भाई हवा बता रहा है, पता ही नहीं सही बता रहा है गलत। अब मैं इसे निकालता हूँ, फिर दोबारा लगा के देखता हूँ ये सही बताएगा इतनी बताएगा। हो गया 0। तो भाई देख लो इतनी हवा बता रहा है, पहले भी इतनी बता रहा था कि आप कमेंट करके बताओ। अब मैं इसको लगाता हूँ, तो देख लो इतनी है, हमें इसकी वायर मिलती है। अभी इससे क्या होगा, ये हवा बनाता है नहीं, अभी तो हवा आप देख सकते हो 175 के आसपास है। अब लगाता हूँ मैं इसे अपने पॉट में, तो भाई इसकी जो ये वायर है इतनी लंबी तो नहीं है, पर ठीक ठाक है, काम चलाओ पहुंच गई है हमारे टायरों से यहाँ तक, ऐसे ही दूसरे टायर पहुंच जाएगी। अब करूं मैं इसे स्टार्ट, तो आवाज तो कर रहा है भाई, हवा देखते हैं भरता है नहीं।
तो भाई बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है, कैसा भी कोई फायदा नहीं है इसका, कैसा भी कोई वही नहीं है। टायर में तो बिल्कुल भी हवा गई नहीं है अंदर। अब मैं इसे बाहर देख लेता हूँ थोड़ी बहुत हवा देता है या नहीं। अब इसके लिए हमें इसका जो इसमें आगे वो दबाने का वो होता है वो भी मैंने दबाया था, पर भाई कैसा भी कोई वही नहीं है, बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है। तो इससे बढ़िया कोई कहीं से सही सा बढ़िया सा क्वालिटी का ले लेना। आप ये ना देखें कि 500-600 का सस्ता पड़ रहा है वो, ये भाई ना चले तो अब ये मेरा ख़राब है, घर ही पड़ा रहेगा, ये क्या किसी काम का नहीं है। कहीं से कोई इसने कैसी भी हल्की सी हवा नहीं दी। तो मैंने इसका सब कुछ हिला के देख लिया, वहाँ से अंदर से अपनी वायर भी देख ली, बाहर से जो इसका नोजल होता है जो टायर में लगता है वो भी देख लिया, कहीं से भी कैसा भी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। मतलब जी थोड़ी बहुत हवा बना लेता जब भी संतुष्टि सी हो जाती, कैसी भी कोई हवा ही नहीं दे रहा है हमारा। भाई बहुत बकवास चीज है ये तो। तो भाई मैंने ये अमेजोन पे से मंगाया था, बिल्कुल भी कोई काम का नहीं है किसी का भी। तो भाई यहाँ से तो बिल्कुल भी हवा ही नहीं दे रहा है, बनाएगा कहाँ से, ये बता रहा है कि बस इतनी हवा है, और मेरे हिसाब से ये भी गलत बता रहा है। तो मुझे तो भाई आप ऐसी चीजों पे पैसे वेस्ट ना करें, कहीं से लो तो देख के लो, रेटिंग वेटिंग सब चीज देख के जब लेना, इसमें भाई किसी काम का नहीं है। मोटर में से धुआं और उठ गया इसका, पता नहीं किस लिए बनाया जब किसी काम का ही नहीं है। तो भाई मेरे 600 रुपए गए हैं वेस्ट। तो आप अब इस वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो भाई मेरे पैसे गए हैं इसमें वेस्ट। तो आपके पास भी ऐसा हो 500-600 का तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट आपको मिले या ऐसा कोई टूल तो अपना देख के लें। इसमें से धुआं उठ गया पूरी तरह, बदबू मार रही है। तो ठीक है भाई, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।